नमस्कार, वंदे मातरम। सभी साथियों को वंदे मातरम नमस्कार। आज पेट के लिए एक चूर्ण बना रहे हैं, बहुत बढ़िया चूर्ण है। इसमें कई तरह की औषधियां डलती है, इंद्रायण के फल के साथ। ये देख सकते हैं, इधर इंद्रायण है और ये जो मटके हैं जितने, इसके अंदर ये भरा जाएगा। और ये जितनी भी औषधियाँ आपको एक एक चीज़ हम बताते जाएंगे क्या क्या इसमें डलेगा। जूते खोल दे बेटा, आइए आप सबको बताते हैं इसमें हमने क्या क्या डाला है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, इस जगह से। यहाँ हमने क्या क्या डाला, इसमें अजमोद है, इसमें ये सौंठ है, ये बड़ा आंवला है, बड़ा हरड़े है, और इसमें ये छोटी हरड़ भी है, और इसके अंदर अनार का छिलका भी है। इसमें अनार का छिलका है, और अब इसमें ये दालचीनी भी इसके अंदर डलेगी। सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के और ये रखा जाएगा। ये वाइविडिंग पेट के कीड़ों को, पेट की सभी समस्याओं को ठीक करता है। पेट में कीड़े, उनको ये ठीक करता है वाइविडिंग। ये नाग केसर, ये बड़ी हरड़, ये छोटी पीपली, घरे कोई काम नहीं देता है। ये सूखा हुआ चुकंदर, ये कड़ी पत्ता, ये अश्वगंधा, सारी बहुत हो जाएगी भाई। ये अलसी, क्या था, पीपरा मूल, इसके छोटे टुकड़े कर दो भाई, पीपरा मूल, मुलट्ठी, ये जामुन की गुठली, ये छिलके सहित गुठली ली है हमने सूखी हुई। और ये सफेद आग के फूल सूखे हुए, और ये जो गांव में जो केर होते हैं जंगल के अंदर, जिसको हम केरिया बोलते हैं, ये सूखा हुआ केरिया है उसके, ये डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया होता है, इसका पाउडर। सारी नहीं डालनी, सारी बहुत हो जाएगी भाई। ये छोटे
छोटी वाली डाल लो, ये है ना, ये वाली डाल लो, बड़ी वाली निकाल लो इसमें से, ये छोटी वाली, छोटी वाली, छोटी छोटी, ये काली मिर्च का पाउडर, इसमें भी ये काली मिर्च है। ये आंवले, आंवले, भरंगराज, ये भरंगराज, भरंगराज बालों के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो ये बहुत बढ़िया है, ये सूखे आम का अचार। हाँ, ये सूखी आमी होती है, उसका अचार, ये सूखी आमी। अभी हम इसमें जैसे आ रहे हैं वच्च, वच्च किसका, वच्च का पाउडर, वच्च, वच्चा जिसको बोलते हैं, ये पेट के कीड़ों को खत्म करता है, वच्चा। असुगंधा तो है इसमें, इतना पड़े रहने तो ये पेट में कीड़े के लिए कोई दवाई किसी को, ये पेट के लिए चूरन बना रहे हैं। और गिलोय के बेल, ये गिलोय के बेल, बस डाल दो, सारा डाल दो, गिलोय, गिलोय औषधि होती है, वहाँ औषधि है ये। और ये पुदीना सूखा हुआ, पुदीना, पुदीना के पत्ते, थोड़ी बात डाल दो, नहीं सारी कोई बात नहीं, डाल दो, डाल दो, ये तो वैसे गिलोय बहुत अपने पास है। और ये खराब हो गया, अच्छा और क्या रह गया भाई, ये देखो क्या था, गुलाब के फूल, गुलाब के फूल सूखे हुए, इसमें सौंफ रह गई भाई, सौंफ है वो, एक मिनट, आधा किलो सौंफ है वो, लेके आओगे पापा, आते बेटा पता है ना तेरे को, सौंफ का एक पैकेट है, चलो मैं लेके आता हूँ आपको, गुलाब के फूल और निकालो, ये वो है गाय के फूल, अच्छे अच्छे इसमें जीव ना हो, कितने देख लेना इसमें, ठीक है, ढाई के फूल हैं ये, ढाई के फूल, ये फिर से गुलाब के फूल, ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना तो होता है,
तेज पत्ता भी डालना। ये सौंफ, ये सौंफ। तेज पत्ता, डाल दो बस, ठीक है। ये सफेद मिर्च, ये आंखों के लिए बहुत बढ़िया होती है, जैसे काली मिर्च डालते हैं इसी तरह सफेद मिर्च भी इसमें डलेगी। काली मिर्च डाल दी भाई आपने? डाली, हाँ डाली थी ना काली मिर्च, हाँ ठीक है। अच्छा अब इसमें है कई चीजें हैं हमारी, इसमें ये जो बेल की फल, बेल फल होते हैं सूखे हुए, और ये हमारा है गौमूत्र का घन, और ये नींबू के रस का घन बनाया हुआ है, और आंवले का रस का भी घन बनाया हुआ है हमारा, ये सारे इसमें है। ले आओ, नीचे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, इधर ऐसे कर। इसमें नौसादर भी है, ये भी कह रहा है कासनी, लीवर के लिए बहुत बढ़िया होती है ये। बस बहुत है ये कासनी। ये भी डालना। तो ये जो मटके आप देख रहे हैं, मटकों के अंदर इंद्रायण जो है, इंद्रायण फल के साथ मटकों में ये भरे जाएगी, जितनी भी औषधि है। नौसादर, नौसादर भी डलेगा, ऊपर से डलेगा, ऊपर से ऊपर से। तो ये सारी औषधियाँ ऊपर से अभी नहीं डलेगा भाई, ऊपर से। हाँ तो ये सारी औषधियाँ मटकों में हम भरेंगे। राजीव क्या कर रहे हो बेटा? तो ये लगभग हम 2-3 क्विंटल के करीब ये सारा सामान हमारा है, ये पेट के रोगों के लिए। ये सारा नहीं डलेगा भाई, एक मिनट, कितना है ये? इसमें साफ़ कर लो, वो झरनी का झरनी लेके आओ, सुखाए इसमें, ठीक है ना। तो ये सारी औषधियाँ तकरीबन इसमें 60-70 तरह की औषधियाँ डाल के, और इंद्रायण का रस है इसमें, ये सब औषधियाँ मटके के अंदर बंद करके 1 महीने के लिए रखी जाएगी। हमारे बुजुर्ग लोग ये सब बनाते थे, और ये जो मुझे जो ज्ञान मिला है, ये जो चीज़ें मुझे अभी सीखने को मिली, ये बुज़ुर्गों द्वारा ही मिली है। बताते हैं पेट के लिए सर्व रोग गुण, मतलब सब रोगों को दूर करने वाला सर्व रोगनाशक है ये, चूर्ण बनेगा और इसका आसव भी बनेगा साथ में, दोनों चीज़ें। इसमें हल्दी भी डलेगी, ये हम पिसवा के लाएंगे, अभी तो ये सूख रही है। तो ये सब चीज़ें डाल के ये चूर्ण बनाया जाएगा, 1 महीने तक मटकों में बंद करके रखा जाएगा। पेट में ये जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, डायबिटीज़ में ये बहुत, इसमें 5 तरह के नमक भी बाद में डलेंगे। ज्ञान भाई जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भैया। ये मेरे परम मित्र ज्ञान भाई जी बहुत मदद कर रहे हैं बेचारे, सुबह से लगे हुए हैं, जितने भी इंद्रायण फल हम खेत से लेके आए ज्ञान भाई जी। नहीं तो ये मेरा सारा सामान पिछले कम से कम 3-4 साल से मैं सोच रहा था बनाऊं, कुछ औषधियाँ मेरे पास थी, कुछ मैं पिछले साल लेके आया, कुछ अभी लेके आया, तो ये इंद्रायण फल भी काफ़ी थे। तो ज्ञान भाई ने कहा जब इतनी अच्छी चीज़ आप जानते हो तो क्यों ना बना लो। मैंने कहा भाई अकेले से नहीं होता, कोई हेल्प करे। तो बेचारे सुबह से ये मेरी हेल्प करने में लगे हुए हैं, और मटके साफ़ किए, इंद्रायण ला के खेतों से साफ़ किया, ये देखो कितनी औषधियाँ हैं। सारा जितना भी ये मेहनत, जितनी भी ये तपस्या हमारे ज्ञान भाई जी की है, और ज्ञान भाई जी की मेहनत और लगन देख के मैं बहुत खुश हूँ, इन्होंने इतनी मदद की। ज्ञान भाई जी और कुछ बोलना चाहते हैं तो हमारे दर्शक देख रहे हैं। मैं
अच्छी बात है। ये कैसा चूर्ण लग रहा है आपको, इतनी औषधियाँ? तो जो खाएंगे लोग बाद में बताएंगे, हमें तो इसका चूर्ण बनाया था पहले जी, ऐसे पीस के साथ मिला के जी। पर अब हम इंद्रायण में इसको घड़े में बनाएंगे तो बहुत ज्यादा जबरदस्त कीमती बनेगा। हाँ। इसका बहुत असर होगा, अपनी फंकी का कितना असर है जी, उससे भी कई गुना असर इसको होगा। जो जरा सी भी ले लेगा ना इसकी चुटकी, एक जरा सी, वो पेट साफ, उसकी आंतें साफ, सारा मलबा बाहर, पेट से सारे रोग होते हैं, पेट के हमें सामान बना लिया, फिर वो किसी की जरूरत हमें रहेगी। जी 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 जी, हाँ सही कहा। हमारी जो आंतें हैं वो हमारी जड़ें होती है, और जितनी बीमारियां हैं पेट से शुरू होती है। जब पेट सही होगा, साफ होगा, तो रोग भी अपने आप चले जाते हैं, कुछ भी हो। जी जी, बाकी ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, अभी उन्हीं का नाम लेके ये सब हम बना रहे हैं। परमात्मा इसको बहुत गुण दे, इसमें शक्ति भरे, ताकि आप जैसे भाइयों को सबको ये जब चूर्ण दे तो इसका अच्छा रिजल्ट मिले। हम इन्हीं प्रार्थना और इन्हीं दुआओं के साथ ये बना रहे हैं। मालिक तू, एक मिनट ज्ञान भाई जी।